हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज फिर हम एक अद्भुत तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, आज हम प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल पर, आपके चैनल पर इस बारे में पहले कभी बात नहीं हुई। आज हम इस पर बात करेंगे कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल्स कम हो या ज्यादा हो तो आपको किस तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका मेल्स के अंदर कोई काम नहीं होता। जो फीमेल्स हैं, जब वो बच्चा पैदा करती हैं तो जब दूध उतरता है उनके ब्रेस्ट्स के अंदर, उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये बात तो सही है, लेकिन मेल्स के अंदर भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी आप हमारे डॉक्टर से दवा लेते हैं तो पहले आपसे वो सिम्टम्स पूछते हैं। अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो और साथ में आपके सर के बाल झड़ते हों और आपके टांगों के निचले हिस्से में दर्द रहता है जब आप लंबे समय के लिए पैदल चलते हैं, या आपको जब लंबे समय के लिए खड़े रहना पड़ जाए तो आपकी पीठ में दर्द हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी कमी की वजह से है। लेकिन अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ आपका सर दुखता भी हो, उसके साथ आपको लिबिडो की भी प्रॉब्लम हो, आपका मन भी नहीं करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, और जब आप अपनी सेक्स की चरम सीमा पर पहुंचते हैं, जब आपका डिस्चार्ज होता है, उस वक्त आपको पूरा आनंद नहीं मिलता, मतलब कि जो आपका वीर्य निकलता है वो पतला या कम निकलता हो, ये तो कम टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। लेकिन जो जनजनाहट की फीलिंग आती है, जो आपको आनंद अनुभव होता है, अगर उसमें कमी है तो फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन के टेस्ट्स कराए जाते हैं। अगर आपके वीर्य का प्रेशर कम है तो भी वो टेस्टोस्टेरोन की ही दिक्कत है, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ आनंद की बात कर रहा हूं। जो वीर्य प्रेशर से निकलने के वक्त या ज्यादा वीर्य निकलने के वक्त आपको आनंद की फीलिंग आएगी, मैं उस फीलिंग की बात कर रहा हूं। तो अगर वो फीलिंग नहीं उत्पन्न होती तो फिर आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन के टेस्ट्स कराए जाते हैं और फिर आपको आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम की दवा दी जाती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि बिना टेस्ट के दवा नहीं खाएं। अगर आपके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल्स कम हो तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल्स बढ़े हुए हों तो फिर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आनी तय है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये वैसे आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनका संतुलन अगर सही नहीं हो तब भी इसके लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बहुत दवाएं खा चुके हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं तो अपने प्रोलैक्टिन हार्मोन के टेस्ट जरूर कराएं। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।